हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एंड योर चैनल आउट ऑफ फाइव। जय माता दी, जय माँ सुरकुंडा, जय माँ भगवती। गुप्त नवरात्रे का ये मेरा लास्ट व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि समापन हो गया है और सब लोग वापस जा रहे हैं और किस तरीके से मेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया है माता रानी की कृपा से। तो फ्रेंड्स, यही होता है जब हम भगवान जी को याद करते हैं तो जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ होती हैं ना, वो छोटे में ही टल जाती हैं। और हम तो देवभूमि से हैं तो हमेशा ही भगवान की पूजा पाठ सब करते रहते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि हमारे घर में सुबह सुबह के टाइम रॉड लगाई जाती थी, बहुत सारे लोग थे घर में तो नहाते थे सब। तो कुछ लोग तो ताजे पानी से नहा लेते थे और कुछ लोग रॉड के पानी से नहाते थे। तो पापा ने जल्दबाजी में इस रॉड को बाहर की तरफ से लगा दिया। आप ध्यान से देखिए, रॉड अंदर की तरफ से लगती है, लेकिन क्या है ना कि हम हर काम के लिए अपने पापा को पूछते हैं, पापा ये कहाँ है, पापा वो कहाँ है। शुरू से ही, शादी से पहले भी यही हाल था हम लोगों का, हर चीज़ हम पापा से पूछते थे। तो पापा ने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और रॉड को बाहर की तरफ से लगा दिया फ्रेंड्स, और उस रॉड में लग गई आग और चिड़चिड़ की आवाज़ आने लगी। तो फटाफट से मैं आई और देखी यहाँ पर बेड भी लगा हुआ है ना, तो बेड का गद्दा भी मैंने साइड कर दिया तुरंत, क्योंकि इससे आग निकल रही थी फ्रेंड्स। तो अगर इस फ्लोर पे मैं नहीं होती तो फिर वो आग जो है वो गद्दा पकड़ लेता, चादर पकड़ लेती, चादर भी लटक रही थी, पर माता रानी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए फ्रेंड्स, ये उसी दिन शाम की वीडियो है जब भंडारा वगैरह सब हो गया था, समापन हो गया था। तो ईवा वापस जा रही है अपने घर। अच्छा मामी, प्रणाम मामी। अरे दीदी आओ, आप अंदर आओ, इधर इधर देखो। तो ईवा, भाभी, ताऊ जी, ताई जी और मेरी मामी जी, ये सब लोग फ्रेंड्स चले गए हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज। ये जो दिन थे ना फ्रेंड्स, माता रानी के और पूरी फैमिली जो इकट्ठा थी, बहुत अच्छा लगा। देखिए बच्चों ने भी कितना एंजॉय किया है ना, बिल्कुल इतना अच्छा माहौल बना हुआ था घर में। तो मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैं और मेरी एक कज़न जो है वो बहन की बेटी के साथ मस्ती कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये मेरी बहन की बेटी है, मेरी रियल सिस्टर की बेटी, और बहुत ज़्यादा एक्टिव और नॉटी है। आप सुनिए इसकी गप्पे। मम्मा चाहती है आप अनपढ़ रह जाओ ना, आपको मना करती है ना, पढ़ाई लिखाई मत करो, स्कूल क्यों डाला उन्होंने फिर आपको। मम्मा, जब वो बचपन में आती आती थी ना, मैं सासू को मारूंगी कि मारती तो बेटा और कितना मारेगी उस बेचारी को। नहीं नहीं, रुक जा, पहले मेरे को मैटर सॉल्व करने दे। आपकी मम्मी ने आपका एडमिशन क्यों कराया यार, ये बताओ। वही तो, जब आपकी मम्मी चाहती नहीं है कि आप पढ़ो, आपको कहती कि रहने दे कल होमवर्क कर लेना। बताना वो वाली बात, कल होमवर्क वाली फिर से बताना। आते ही करना है ये बोलती नहीं, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो है ये मस्ती है, ये मजाक कर रही है ना, तो बहुत नॉटी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा और बहुत एक्टिव बच्ची है ये। तो हम ऐसे ही ना इसके साथ मस्ती कर रहे थे, मैं और मेरी बहन मिलके, कि आपकी मम्मा ना ऐसे करती है, आपकी मम्मा वैसे करती है। और अब देखिए आगे। तो फ्रेंड्स, रात हो रखी है अभी, और ये देखिए हमारी जो अग्नि है हवन की, ये अभी भी जल रही है, बीच में नहीं जल रही थी शायद, और अब देखो दोबारा से ऑटोमेटिकली जलने लगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो ये देखिए आप, और आज ना पूरी पूरा दिन बारिश हो रही है, और पूजा पाठ के बाद इस तरीके से बारिश होना जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है फ्रेंड्स, और मेरे हस्बैंड आज ड्यूटी नहीं गए हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा यानी कि मेरे सास ससुर जो हैं वो आज वापस ऋषिकेश जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी आज हाफ डे लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, नंदी जी हमारे घर में हमेशा, नंदी जी आते हैं, पहले एक सफ़ेद कलर के नंदी जी आते थे, अब ये काले रंग के नंदी जी आते हैं, लेकिन हमेशा आते हैं और हमेशा खाना लेके जाते हैं। इनका मन चार बार करता है तो चार बार आते हैं, पांच बार करता है तो पांच बार आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं और गेट बजाते हैं, इंसानों की तरह गेट बजाते हैं फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता इंसान बजा रहा है या ये नंदी जी बजा रहे हैं।
अरे मैं चप आ गए आ गए आ गए अब आ गए आ गए आ गए अच्छा अच्छा ओके 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 खोल रही खोल रही खोल रही पीछे 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 थोड़ा सा पीछे आई मेरा हाथ नहीं खाना बस हो गया अब नहीं अब नहीं अब नहीं है ओए कुंडी खोल दे कुंडी खोलेगा तभी तो रोटी देंगे बंद क्यों की कुंडी बता क्यों बंद की कुंडी खोल क्यों बंद की कुंडी खोल अब खा ठींगा अब ठीक नहीं है अब खड़ा आना ही बाद में आई अब जब मारू इसने कुंडी लगा दिया मैं क्या करूं बता कुंडी खोल खोल कुंडी कुंडी खोल अबे कुंडी खोल दे अब मैं कैसे तुझे रोटी दूं क्या तो ये लास्ट ईयर की वीडियो है फ्रेंड्स उस समय ये नंदी जी हमारे घर में आते थे तो ये क्या करते थे ना गेट बजाते थे खाना मांगने के लिए तो अगर मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ या फिर मम्मा किचन में बिजी हैं तो तब तक मैं ये बाहर से कुंडी लगा देते थे और इन्हें कुंडी खोलने नहीं आती थी और हमें बहुत बुरा लगता था कि खाना खाने आए किसी उम्मीद से आए खाने की और हम इनको खाना नहीं दे पा रहे हैं तो फ्रेंड्स किस किस के घर में इस तरीके से नंदी जी आते हैं और गेट बजाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और ये देखिए यहाँ सामान पैक हो चुका है मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर का और मेरी बहन का तो ये कैब भी देखिए आ चुकी है अब कैब में बैठ के ये ऋषिकेश और देहरादून के लिए निकलेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स ये दौलत जी यानी मेरी बहन के हस्बैंड मेरी बहन और मेरे सास ससुर जा रहे हैं तो ये लोग चले गए थे फिर मेरी कज़न ऐश्वर्या भी चली गई थी और अब ये नेक्स्ट डे का वीडियो है तो जो सारा मंडप है वो हट चुका है और अब मम्मा इस हरियाली को भी फ्रेंड्स उठा करके ऊपर गमले में लेके जाएंगी और मैं आपको क्या बताऊँ इतने दिन तक ये कमरा इतना भरा हुआ था और अब सबके जाने के बाद मतलब इतना बुरा फील हो रहा था रूम बिल्कुल खाली खाली सा फील हो रहा था तो मुझे बताइएगा आप लोग कि आपके किसके घर में नंदी जी इस तरीके से आते हैं या फिर कोई गाय माता आती है या फिर गेट बजाती है तो मेरी मम्मी के घर में हमेशा से ही फ्रेंड्स हमेशा से आज से 5-6 साल पहले 10 साल पहले भी एक नंदी जी आते थे और गेट को धड़ाम से गेट को मार के खोल देते थे यह हरियाली डाली थी मैंने गुप्त नवरात्रा तो मैं इनको हटा रही हूँ माता रानी को विसर्जन करने के लिए ले जा रही हूँ और हरियाली को मतलब तो ये मैं ले जा रही हूँ अभी जय माता दी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा शेयर आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं तो कर दीजिएगा और ये देखिए बंदरों का आतंक है हमारे घर में दिल्ली में बजरंग बली जी आज ट्यूसडे है ना लेकिन खैर ट्यूसडे क्या आप तो डेली आ जाते हो यार क्या चाहिए सुबह किसकी साड़ी फाड़ी थी पड़ोसियों की साड़ी फाड़ी थी ना सुबह हैं सुबह पड़ोसियों की साड़ी फाड़ी थी ना तुमने अब हमारा नुकसान करने आ गए हो चलो जाओ जाओ माय गॉड यू आर सो नॉटी बाय दोस्तों कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा बाय बाय।